आंग्ल वर्ष 2023 में जनवरी माह में शनिदेव स्वराशि कुंभ में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं किन चार राशि वाले जातकों का होने वाला है भाग्योदय। नमस्कार, मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच 12 राशियों में से किन चार राशि वाले जातकों का शनिदेव का राशि परिवर्तन दिलाएगा धन पद वैभव वा वैवाहिक सुख और संतान का सुख। इस चैनल पे अंत तक बने रहिए ताकि सही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पे प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी सूर्यादि नवग्रह कोई भी ग्रह किसी भी राशि में परिवर्तन करता है तो इससे प्राकृतिक व मनुष्य के जीवन में बहुत प्रकार के फेरबदल देखने को मिलते हैं, जैसे मौसम में बदलाव, साथ ही साथ हमारे जीवन में उपयोग होने वाली प्रत्येक वस्तुओं में दाम में उतार चढ़ाव, साथ ही साथ हमारे जीवन में स्वास्थ्य संबंधित, बिजनेस व्यापार से संबंधित व रिश्तों में उलट फिर, इन तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई राशि शुभ राशि में परिवर्तित होती है या स्व राशि में परिवर्तित होती है तो ऐसे में वह अपने राशि के जातकों के लिए या मित्र राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ फल देती है, लेकिन जो स्व राशि के अन्यत्र शत्रु राशि होते हैं उनके, उन्हें उनके जीवन में बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वह चार कौन सी ऐसी राशि है जिनके ऊपर शनिदेव का स्व राशि कुंभ में परिवर्तित होने पर, गोचर होने पर उन चार राशियों को बेहद शुभ मिले फल मिलेगा। पहला वृषभ राशि, दूसरा मिथुन राशि, तीसरा तुला राशि और चौथा धनु राशि। तो आइए जानते हैं अब इन चार राशियों को शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर होने पर क्या कुछ फल मिलने की आशा है। सबसे पहले बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों का। तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यही नहीं, उनके रुके हुए प्रत्येक कार्य 17 जनवरी के बाद पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ वृषभ राशि के जातक जो अभी विवाह व संतान के सुख से वंचित हैं, उन्हें 17 जनवरी 2023 के पश्चात उन्हें विवाह व संतान के सुख का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातक के लिए भी शनिदेव का कुंभ राशि में परिवर्तित होना बेहद शुभ फल देगा। मिथुन राशि के जातकों के बिजनेस व व्यापार में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ धन लाभ व नौकरी में उन्नति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकता है। इसके अलावा उनके बिजनेस में भी उन्नति का व वृद्धि का योग बन रहा है। अब बात करेंगे तीसरी राशि तुला राशि। तुला राशि के जातक जो कि शनिदेव तुला राशि से 17 जनवरी 2023 में उनका तुला राशि से गोचर समाप्त होकर कुंभ राशि में जाएगा, तो ऐसे में तुला राशि के जातकों के लिए भी शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर करना बेहद शुभ है और आने वाले 17 जनवरी 2023 के बाद तुला राशि के जातकों के भी वैवाहिक सुखों में परिवर्तन आएगा, साथ ही साथ उनके बिजनेस व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। यही नहीं, उनके पार्टनरों के साथ, बिजनेस पार्टनरों के साथ उनके संबंध मधुर होते हुए दिख रहे हैं और उनके जो रुके हुए बिजनेस व्यापार में कार्य है वह भी संपन्न होते हुए दिख रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए भी शनिदेव का राशि परिवर्तन बेहद शुभकारी है। इन राशि से जुड़े हुए जातकों को जटिल रोगों से छुटकारा मिलेगा व नौकरी बिजनेस व्यापार में उन्नति के मार्ग बनेंगे और रुके हुए फंसे हुए धन इन्हें प्राप्त होने का संयोग बन रहा है। साथ में किसी नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत इस राशि के जातकों को प्राप्त होते हुए देख रही है। तो हमने जाना शनिदेव के राशि परिवर्तन से किन चार राशियों के लिए बेहद शुभ। अब हम बाकी अवशेष राशियों के लिए क्या कुछ ऐसा उपाय हो जिसके करने से
उनके बुरे प्रभाव से बचा जा सके, क्योंकि शनिदेव कर्म के दाता है, जो जैसा कर्म करता है वह उन्हें वैसा फल देते हैं। तो वैसे बारहों राशियों को शनिदेव की आराधना करना या प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाकर के पीपल व शनिदेव के पास सरसों तेल का जोत जलाना व बजरंग बाण का पाठ करना बेहद शुभ रहेगा। ऐसा करने से शनिदेव की कुदृष्टि व अढ़ैया साढ़े साथी से बेहद लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति शनिदेव के साढ़े साथी व अढ़ैया से पीड़ित हैं, उन जातकों के लिए शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना व शनिदेव के मंदिर में साफ सफाई और सुंदरकांड का पाठ करना बेहद लाभकारी होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।